चलो भाई स्टूडेंट्स, आज फिर हम एरर पढ़ रहे हैं, 11th क्लास एरर। और आज हम लोग एरर का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। कल हमने एरर पार्ट वन पढ़ा था, आज क्या पढ़ेंगे, एरर पार्ट टू। कल हम लोगों ने एरर क्या है ये पढ़ लिया था, एरर से रिलेटेड टर्म पढ़ ली थी कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, और लास्ट में हमने फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर पढ़ के कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। आज एरर टू में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर और उनकी कैलकुलेशन, टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारी, जैसे सबसे पहले इनको रफली याद रखना आपको, ऐसे कोई डेफिनेशन वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती हैं, जो किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आती हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट अगर ख़राब है तो उसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर आती हैं, जिन्हें आप लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, जो एक्सपेरिमेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से आती हैं। दूसरे टाइप की एरर पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, पर्सनल एरर ये हमारे मेथड की कमी की वजह से आती है। अगर हमें मेथड की नॉलेज नहीं है तो हम उसके अंदर एरर कर सकते हैं, ये हमारी पर्सनल एरर होती है। जैसे आपको जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको उसका नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट करनी, आपको ये पता नहीं कि कितने लिस्ट काउंट कैसे ली जाएगी, जो बोब होगा बोब का डायमीटर कितना होगा, लेंथ कितनी लेनी है स्केल पे, कौन से वाली लेंथ मेजर करनी है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे इसका तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो लेंथ होगी वो इफेक्टिव लेंथ लेनी होती है, और बोब का जो डायमीटर होता है उसको भी हाफ करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं, तो ये गड़बड़ी होने की चांसेस बन जाते हैं पर्सनल एरर के अंदर। तीसरा आपकी टेक्निक एरर होती है, टेक्निक एरर कि आपकी टेक्निक कितनी गलत है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, ये पर्सनल एरर के अंदर भी इसको हम लोग मान सकते हैं। टेक्निक एरर एक तरह से ये एरर हमारी ग्राफ प्लॉटिंग में आती है। वैसे तो जैसे ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं, तो अगर आपको ग्राफ की टेक्निक नहीं पता कि एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना, एक्स एक्सिस का एक डिवीजन कितने के इक्वल मानना, तो वो टेक्निक एरर के अंदर आ जाएगी। या फिर लिस्ट का, जैसे आपको वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स की आपको ये नहीं पता कि लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो उसके अंदर भी आप ये नहीं बता सकते कि जो आपने मेजरमेंट किया है, इस किसी की मोटाई निकाली है या इस चौक की मोटाई कितनी है ये निकालनी है, तो आप बता नहीं सकते जब तक आपको लिस्ट काउंट नहीं आती। तो ये आपकी टेक्निक एरर होती है। इसी तरह लिस्ट काउंट एरर होती है आपकी। तो ये सारी हमारी एरर के टाइप्स के अंदर ही आती हैं। अब इनकी कैलकुलेशन पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एरर में पहले एरर की कैलकुलेशन करते हैं, एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे कैलकुलेट की जाती है, बहुत इजी मेथड है, आप आराम से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास दो लेंथ हैं, एक लेंथ L1 है, वो है 2.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, 2.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी होती है ये हमारी ट्रू वैल्यू होती है, और इसे जितनी बार कैलकुलेट किया होगा ये इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपको मैंने पुरानी वीडियो में बता दिया था, इससे पहले वाले पीरियड में। इसी तरह दूसरी है हमारी L2, 4.3 और 0.1 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया है इन दोनों को ऐड करके L आता है, L बताइए, L1 प्लस L2 क्या होगा, ये आपसे इसमें पूछ लिया गया। तो साहब आपको क्या करना है, L1 की जगह तो L1 लिखिए, क्या है वो 2.0 प्लस माइनस 0.3, L2 की जगह L2 लिखिए, 4.3 प्लस माइनस 0.1। तो आप क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में तो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ऐड कर लो, 2.0 और 4.3 कितने हुए, 6.3, प्लस माइनस ऐसे लगा लो, एरर को एरर में ऐड कर दो, तो 0.3 और 0.1 कितने हुए, 0.4। तो इतने सेंटीमीटर इसकी रीडिंग होगी, ठीक है ना। ये इसकी ट्रू वैल्यू दोनों के ऐड की और इनकी मीन एब्सोल्यूट एरर।
अब अगर इसी में वो परसेंटेज पूछ ले तो ये परसेंटेज के लिए डेल्टा ए आपका ये होगा और ए ये होगा, इससे डिवाइड कर देना। मान लीजिए इसके बी पार्ट लें आप, और बी पार्ट में आपको कोई क्वांटिटी ऐसे दे दे कि एन इक्वल टू एल वन माइनस एल टू है, एल टू माइनस एल वन है, तो आपको फिर सब्ट्रैक्ट करनी है क्वांटिटी। तो साहब एल टू की जगह एल टू लिखिए, कितना एल टू आपका 4.3 प्लस माइनस 0.1, माइनस का साइन लगा दीजिए। एल वन की जगह एल वन को लिखिए, एल वन कितना 2.0 प्लस माइनस 0.3। तो जब आपने इसको माइनस किया तो ट्रू वैल्यू में से जो ट्रू वैल्यू माइनस हुई 2.3 प्लस माइनस। अब आप एरर में से एरर माइनस मत करना, एरर में से कभी भी एरर को माइनस मत करना, वो एरर है, वो गलती है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती कि आपने कुछ अच्छा काम किया और फिर कुछ गलत कर दिया तो वो जीरो हो गया टोटल, ऐसा नहीं होगा। ये गलती है तो ये हमेशा ऐड ही होंगी आपकी, समझ में आई बात? तो ये आपको हमेशा ऐड करनी, इसलिए इनके साइन के साथ प्लस माइनस लिखा जाता है, ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी। 0.1 और 0.3 इज इक्वल टू 0.4, तो ये इसका आंसर होगा। कुल मिला के एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन, तो ट्रू वैल्यू तो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, पर एरर ऑलवेज ऐड प्लस माइनस के साइन के साथ, राइट? तो ये आपका ये एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल और कर लेगा इस पर, चलो कर लेते हैं। मान लो एक जगह का टेम्परेचर जनवरी में 20 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब आपको याद रखना है बेटा, 20 तो कन्फर्म है, 0.1 वो ज़्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है, यानी ये टेम्परेचर 20.1 डिग्री सेल्सियस या 19.9 डिग्री सेल्सियस है, इसका मीनिंग ये होता है। और कुछ दिनों बाद बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी और टेम्परेचर 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस हो गया, अच्छी खासी गर्मी बढ़ रही, साफ साफ दिखाई दे रहा कि ये जनवरी होगी, ये कब होगी फिर, ये मई होगी या अप्रैल होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर पूछ लिया, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, तो आपने क्या किया, आपका काम क्या था, आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना था, आपको सब्ट्रैक्ट करना, तो 40 माइनस 20, तो 20 लिख लिया, प्लस माइनस एरर को मैंने क्या बताया, इसे हमेशा ऐड करो, 0.1 और 0.3 कितने हुए 0.4, तो इतने डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा। तो एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया, अब मैं बताने जा रहा आपको एरर इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे आते हैं, तो देखिए इसे सीखने के लिए आपको पहले ना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक मिनट के लिए बस आप इसे सीख लेना, फिर तो क्वेश्चन आपको इसको ऐसा सिखा देंगे कि आप कभी से नहीं भूलोगे। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दें, इसको लॉगरिथम मेथड से भी करते हैं पर मैं इसे बगैर लॉगरिथम के आपको करके दिखाऊंगा। एक्स इक्वल टू मान लीजिए ऐसे दे दिया ए स्क्वायर बी अपॉन सी, ऐसे दे दिया साहब आपको, तो आपको एक चीज़ याद रखनी, मैथ्स के नंबर में कोई एरर नहीं होती, मैथ्स के नंबर में कोई एरर नहीं होती, और पावर को साइड में लिखना होता है। तो इसे जब मैं टर्म में लिखूंगा, एरर इन फ्रैक्शनल फॉर्म, एरर इन फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म, तो इसे कैसे लिखेंगे देखिए, x है, x की फ्रैक्शनल फॉर्म में एरर क्या होगी, ऊपर इसकी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू यानी डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, अब a की क्या होगी, डेल a अपॉन a पावर साइड में, यहाँ प्लस का निशान, डेल b अपॉन b, मैक्सिमम निकाल रहे तो आपको ऐड करते जाना, और ये c माइनस का है, आप यहाँ प्लस का लिख देंगे, इसकी पावर 1 ही है, बट साथ में एक वर्ड लिख देंगे आप मैक्स, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ये आपने ऐड की इसकी एरर जो भी है, बस इतना याद रखना। ऐसे अगर एरर इन परसेंटेज फॉर्म हो, एरर इन परसेंटेज फॉर्म, तो परसेंटेज फॉर्म में बेटा क्या लिखोगे, इनटू 100 ही तो करना फ्रैक्शन फॉर्म का, तो डेल एक्स अपॉन एक्स, यहाँ क्या लिखने को बताया मैंने आपको, मैक्स, ये मैक्स वर्ड आप तभी यूज करिए जब कोई ना कोई वेरिएबल क्वांटिटी आपके डिनोमिनेटर में भी हो, अगर नीचे सी ना होता तो कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी पावर -1 बनती तो सोच से ऐसा किया, पावर साइड में लिखनी,
ये क्या लिखोगे, डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल सी अपॉन सी इंटू 100। इसको नोट कर लेंगे आप, नोट्स पूरे बनाते चलना आपको साथ साथ ही। इस पूरे का क्या मीनिंग है, इसका या इसका या उसका या इसका, तो इसका मीनिंग है परसेंटेज एरर इन एक्स, सॉरी ए। इसका क्या मतलब है, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन एक्स। समझ में आई क्या बात, परसेंटेज एरर इन एक्स, ए बी एंड लास्ट वन सी। तो इस तरह से आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट कर लेना। मेनली आपको परसेंटेज फॉर्म लिखनी होती है तो वो आप लिखेंगे जरूर। चलिए देखिए, मान लीजिए ऐसे दे दिया p इक्वल टू 3a² b अपॉन अंडर रूट c, और इसमें कह दिया कि p में परसेंटेज एरर लिखो। क्या कहा, परसेंटेज एरर इन p। तो आपको कैसे लिखनी, देखिए p में कैसे लिखोगे, डेल p अपॉन p इंटू 100। मैक्स लगाना नहीं लगाना ये अभी आप खुद देख लो ना। 3 मैथ्स का नंबर है, ऐसे नहीं लिखना है, 3 को तो 3 पढ़ेंगे चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखा जाए, कोई भी आदमी बोले वो 3 बोलेगा। ए को क्या लिखोगे, ए के ऊपर पावर है तो उसे साइड में लिख लेना, 2 डेल ए अपॉन ए इंटू 100। मैथ्स के नंबर को नहीं लिखना, पावर साइड में लिखनी है याद रखना। बी में क्या आएगी, डेल बी अपॉन बी इंटू 100। अब बचा सी, सी को अगर ऊपर लेके जाते तो क्या इसकी पावर माइनस में लिखी जाती, तो -1/2 डेल सी अपॉन सी इंटू 100। पर अभी इसमें से कुछ माइनस हो रहा तो ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी ये बताओ, ये परसेंटेज एरर यहाँ लगा लीजिए आप मैक्स, ये मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम तब होगी जब ये जुट जाए। तो इसलिए बोलता हूँ यहाँ मैक्स लिखने के बाद आप प्लस का साइन लगा दीजिए। इस तरह से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपके ये बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक लेंथ है 2.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इतनी, ये साइड है बेसिकली किसी रेक्टेंगल की, तो एरिया में रेक्टेंगल के जो मेजरमेंट हुआ उसमें कितनी परसेंटेज एरर होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे आप एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे जो सभी को पता है, एल इंटू बी के इक्वल होता है। तो परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या लिखेंगे साहब, तो क्या डेल ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू 100, क्या ये लिखा जाएगा बताइए परसेंटेज फॉर्म। बिल्कुल लिखी जाएगी। अब ये ट्रू वैल्यू होगी और ये इसकी एरर, तो एल की ट्रू वैल्यू कितनी, 2.0 0.1 इंटू 100। ब्रेथ के लिए क्या लिखोगे, 2.00, डेल बी के लिए 0.1 इंटू 100। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये आ गया 100 अपॉन 20 और ये 100 अपॉन 200। ये डेसिमल का इतना बड़ा इफेक्ट होता है, आप अगर डेसिमल छोड़ दे तो आपको ये 2 दिखाई देगा और ये भी 2 दिखाई देगा, जबकि दोनों की वजह से चीज़ें अलग अलग आ रही हैं। तो ये 5 टाइम्स कैंसिल और ये 0.5 टाइम कैंसिल, तो कितना आ गया साहब, 5.5%। 5.5% एरिया के मेजरमेंट में क्या होगी, यहाँ एरर होगी। ज़्यादा एरर कौन सी क्वांटिटी में थी, लेंथ में ब्रेथ में, तो लेंथ के मेजरमेंट की वजह से तो 5% एरर दिखा रहा और ब्रेथ के मेजरमेंट की वजह से 0.5, तो ज़्यादा गलत किसे मापा गया होगा, तो नेचुरल सी बात दिखाई दे रही जिसमें ज़्यादा परसेंटेज एरर होगी, तो लेंथ को गलत मेजर किया गया होगा। जो लेंथ मेजर करने वाले स्टूडेंट होंगे उन्होंने इसमें थोड़ी गलती की होगी। और देखिए मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, अगर परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, रेडियस मेजरमेंट करने में कितनी गलती हुई 2% की, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम मेजरमेंट करने में कितनी एरर हो सकती है किसी स्फीयर के लिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया वॉल्यूम,
सॉरी सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और ये सॉलिड या होलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का? 4πr². तो परसेंटेज एरर क्या लिखोगे बेटा? डेल ए अपॉन ए इंटू 100। 4π मैथ्स का नंबर है, छोड़ सकते हैं। 4π क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो इसको छोड़ दो आप। पावर को साइड में बताया था मैंने लिखने के लिए, 2 डेल आर अपॉन आर इंटू 100। तो 2 ऐसा ही है। डेल आर अपॉन आर इंटू 100 का क्या मतलब होगा? परसेंटेज एरर इन रेडियस। जैसे परसेंटेज एरर इन एरिया है, ये परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो कितनी दे रखी थी ये? ये 2% थी। इसकी इसके ही तो नाम है परसेंटेज एरर इन रेडियस, ये यही तो है। और कितनी गिवन है हमें? 2%। तो इसकी जगह 2 लिख दिया, तो आंसर कितना आ गया? 4%। खत्म, समझ आया? तो बिल्कुल ऐसे ही करना आपको। नेक्स्ट आप इसी में सेकंड पार्ट देख सकते हैं, इसको नोट करिए। सेकंड पार्ट देखते हैं अब। जा अब क्या लिखेंगे आप? इस बार आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लें। तो नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो सॉलिड होलो से चेंजेस आते हैं पर ये कांस्टेंट है, साइड में लिखे जाने। तो वॉल्यूम होता है, मैं सॉलिड मान लेता हूँ, हालांकि ये सॉलिड भी ना होता तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला था, ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट ही होती। क्लियर? तो ये ऐसे ही आता। तो 4/3 कांस्टेंट है, इसको छोड़ सकते हैं आप। तो परसेंटेज एरर क्या होगी भाई? डेल वी अपॉन वी इंटू 100, पावर साइड में साफ, 3 इंटू डेल आर अपॉन आर इंटू 100। जो कांस्टेंट था वो अलग लिख दिया गया, आर की जगह लिखा 2, तो इंटू आ गया 6%। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ भाई समझ आ गया। तो ये है बस आपका। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन ट्राई करिए, आप इन्हें कर सकते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हुआ एकेडमिक लेवल पे। थैंक यू।